नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म उठाइएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं कि नीट 2022 का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, लेकिन दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा जो कारण दिए जा रहे हैं, जैसे कि काउंसलिंग लेट हुई, उस वजह से उनकी प्रिपरेशन के लिए अधिक समय नहीं मिला, या फिर इसके अलावा जो कारण है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट लग रहे हैं, उन कारणों पर विचार किया भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब तक के माहौल को देख के और जो सिचुएशन चल रही है इसको देख के मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपका नीट का एग्जाम निर्धारित तिथि 17 जुलाई को होना तय है, उसी डेट होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए स्टूडेंट, लास्ट 2 ईयर से मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट ऐसा ट्यूटर पर ट्रेन चलाने की कोशिश करते हैं, या फिर इसके अलावा वो अपने लेवल प्रयास करते हैं, लेकिन जब NTA चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लास्ट ईयर मैंने देखा कि बिल्कुल उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा सोशल माध्यम पर ट्रेंडिंग में आ गया था कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, सुप्रीम कोर्ट तक गए, काफ़ी स्टूडेंटों ने बहुत प्रयास किया, काफ़ी लोगों ने वकील किए अच्छे माने हुए, लेकिन किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हुई और लाखों स्टूडेंटों का दिल टूट चुका था, क्योंकि उन्होंने उस एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए अपने महीने खराब कर दिए थे। इसलिए लास्ट ईयर के अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, आप इन चीज़ों से दूर रहें। और दोस्तों अभी आपके एग्जाम होने में अप्रोक्स 40 दिन है, जो कि इतना कम समय नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पहले से स्ट्रांग है, तो 40 दिन के अंदर अगर आप दिन रात मेहनत करो तो आप अपने जो ड्रीम कॉलेज है उसमें पहुंच सकते हो। इसलिए इन चीज़ों में फालतू समय वेस्ट ना करें। और दोस्तों आपके करने ना करने से कुछ नहीं होगा, आपसे ऊपर बहुत लोग बैठे हुए हैं जो आपकी समस्या को समझ सकते हैं। अगर उनको अनुकूल लगेगी तो वो आपके हित में फैसला लेंगे, अगर उनको प्रतिकूल लगेगी तो हो सकता है वो आपके हित में फैसला ना लें। लेकिन एक स्टूडेंट का प्राइमरी काम होता है पढ़ाई करना, एक पढ़ाई ही वो रास्ता है जो आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सकता है। तो वीडियो के लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा, इन फालतू की चीज़ों में आप इंटरेस्ट ना लें और अपने टारगेट 17 जुलाई पर फोकस रखें। उम्मीद करता हूँ अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर अपने मेडिकल कॉलेज, जो आपने और आपके माँ बाप ने सोते समय देखा, उसमें पहुँचोगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।